हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे और लगे होंगे अपनी तैयारी में। तो इसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपकी अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट तरीकों से, फटाफट तरीकों से और प्रैक्टिस की तरह। तो आप भी इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस की तरह कीजिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देखनी है और बैठ के लेट के देख रहे हैं। नहीं, लेट के देखने से तो कुछ नहीं होने वाला है। चीज़ें ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन तो आता है, ये क्वेश्चन तो आता है, नहीं आता है तब भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ तो प्रैक्टिस मांगता है। अब सिर्फ आता है तो ऐसे तो पहले भी आता था जब आपने 10th पास की थी, तो इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बार बार ये चीज़ें करनी होंगी। प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ भी कर पाओगे, वरना वहाँ पर हम नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है कि ये दिक्कत हो गई। लेकिन ये दिक्कतें दूर कब होंगी? ये दिक्कतें दूर होंगी केवल और केवल प्रैक्टिस से। तो कॉपी पेंसिल लेकर साथ करिए, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, साथ के साथ कीजिए, और जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो आप बूझिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो। और ज़्यादा समय लिए बिना करनी है, कुछ ट्रिकें अच्छी लगेंगी, कुछ आपके पास होंगी, तो उन सभी का यूज करते रहिए। यानी एक माहौल बनाना है मैथ को सॉल्व करने का, तभी आप इनको, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा टच हो पाएंगे और जुड़ पाएंगे चीज़ों से। तो अब बिना देर करे हुए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आप भी बिना देर किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दबाकर। तो आइए आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। सबसे पहला क्वेश्चन, एक मूलधन एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1400 और 1470 रुपये है, मूलधन ज्ञात करें। कैसे करेंगे बच्चों? साधारण ब्याज है हमारा 1400। पेन ले लेते हैं पहले फटाफट, कहाँ गया पेन? हाँ जी, तो साधारण ब्याज हमारा 1400 रुपये है। तो साधारण ब्याज तो एक सही मिलता है ना भाई, 700 मिला होगा, दूसरी बार भी 700 मिला होगा, 2 वर्ष का है, दोनों बार 700-700 रुपये मिला होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है? 1470। तो पहले वर्ष तो साधारण चक्रवृद्धि एक से रहते हैं, दूसरे वर्ष साधारण तो मिलता ही मिलता है, और ब्याज का ब्याज मिलता है, वो कितना निकल के आ रहा है? 70, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्याज का ब्याज मिलता है, ब्याज पर मिलता है, तो ये 70 मिले हैं 700 पर, इसका मतलब कितने हो गए? 10%। तो दर हमारी हो गई कितनी? 10%। बच्चों कैसे निकाली? 700 का 70 कितना होता है? 10% होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, खैर इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा 100, तो ये 0 कट गई दोनों, और ये आ गया कितना हमारा? 10। तो 70 700 का कितना परसेंट है? 10%। 10% निकालने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं सिंपल। अब ये जो ब्याज है, ये भी तो 10% होगा ना, किसका? मूलधन का। ये मूलधन का 10% होगा, क्योंकि दर हमारी कितनी है? 10%। तो 700 किसका 10% है? 700 7000 का 10% है, 10 फालतू बढ़ा देंगे, है ना। यानी 700 हमारा 10% है, तो 100% कितना होगा? तो ये 0 कट गई, और ये कितना हो गया? 7000। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से करोगे तो चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। तो जैसा मैंने बताया कि एक हमको ब्याज मिलता है, दूसरे बार भी साधारण तो उतना ही मिलता है, ब्याज का ब्याज मिलता है, तीसरी बार साधारण मिलता है, जो ब्याज मिला उसका ब्याज मिलता है, और इस ब्याज का भी आगे ब्याज मिलता है। इस तरह के तरीके से आप इनको बहुत आसानी से कर पाओगे, और ली कर पाओगे कि जैसे यहाँ हमने देखा कि ब्याज कितना मिला? 70, इसका ये 10% है, तो आगे भी 10%, 7000। आओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब हानि ही हुई है या लाभ भी हुआ है? खैर देख लेंगे ये चीज़ें हम, कि हानि हुआ है या लाभ हुई है। कैसे करने हैं? जब बात वस्तुओं की आ जाए, किसकी आ जाए? वस्तुओं की, तो आप कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 12 का क्या? CP, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, CP बराबर कितना है? 15 का विक्रय यानी कि SP, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ से ये गुणा है, गुणा SP, अब ये SP बटे में आएगा, तो CP बटे SP बराबर 15/12। आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, यदि कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, फिलहाल कट रही है वैल्यू, काट लेते हैं,
ये तीन से कट रहा है पांच बार, ये तीन से कट रहा है चार बार, यानी कि क्रय कितना है हमारा पांच और विक्रय कितना है चार, तो लाभ हुआ हानि हुई, पांच में खरीदा चार में बेच दिया तो एक की हानि हो गई। और हानि किस पर काउंट होती है, हानि परसेंट या लाभ परसेंट, दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होती हैं, तो बटे में क्या लेना है क्रय मूल्य यानी कि पांच, परसेंट निकालने के लिए गुणा सौ, तो कितना आ गया 20% हमारा ऑप्शन टू। तो चीजें क्लियर है बिल्कुल, हमें किस तरह से वैल्यू रखनी है और फिर जो यहाँ पर हमारे सामने वैल्यू आएंगी वो मूल्य आएंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, फिर हम लाभ हानि काउंट करके उसका परसेंट निकालेंगे, परसेंट हमेशा सीपी पर काउंट होता है। आगे आते हैं, एक व्यापारी एक टेलीविजन पर 10% और 20% की दो छूटे देता है, तो मैंने कई बार बताई हैं जब भी दो छूटे हो तो किस तरह से निकलेंगी, इस तरह से निकलेंगी ए प्लस बी माइनस ए बी बटे सौ, डायरेक्ट फॉर्मूला है, जहां भी आप लगाएंगे 10 + 20 माइनस 10 × 20 बटे सौ, ये दो जीरो कट जाएंगी, 10 और 20 30, 30 से दो गए तो 28, यही आंसर हो गए। पीछे हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो सभी प्रैक्टिस है तो सारी वीडियो को देख डालिए और प्रैक्टिस कर दीजिए सभी के। आगे आते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√6 cm है, इसकी भुजाओं का अनुपात 4, 5 और 7 है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा ये अनुपात है, देखो कैसे हम इसको फटाफट करते हैं, 4, 5, 9, 7, 16, अच्छा 16 पॉइंट होगा, परिमाप क्या होगा 16 पॉइंट, क्योंकि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ये चीज़ें हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं फिर से। अब जब ये 16 पॉइंट है तो पॉइंट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अब ये जो पॉइंट की वैल्यू है क्या वो दशमलव में आएगी, अब दशमलव में तो वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि क्षेत्रफल हमारा कैसा है कंप्लीट दिया है, तो 16, 16 × 2 = 32, अगर पॉइंट की वैल्यू 2 है, 1 है तो 16, 2 है तो 32, 3 है तो 48, 4 है तो 64, ऑप्शन में क्या है केवल 48 और तो कुछ नहीं है, 32 भी नहीं है, 24 16 से नहीं कटता, 36 नहीं कटता, 18 नहीं कटता, 48 यही आंसर हो गया। ये हुआ आपका फटाफट तरीका है ना, बिना आपने इसका यूज क्या किया, इसका यूज सिर्फ हमने इतना किया कि हमारा पॉइंट डेसिमल में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा डेसिमल में अभी यहाँ पर नहीं है, अंडर रूट में है, तो हमने इसका यूज किया कि या तो 16 अगर हमारा 16 पॉइंट आ रहे हैं अनुपात से तो 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा, कुछ इसमें से होगा, और इसमें से क्या मिल रहा है यहाँ पर 48, अच्छा इससे अधिक होते तो कैसे करते, इससे अधिक होती वैल्यू तो कैसे करते, तब आप डिटेल में करते, वो भी मैं आपको बता दूंगा। डिटेल में करने का बड़ा सिंपल तरीका है, क्या है कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है, इससे आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं इन चीज़ों को आप, एस क्या होता है हाफ पेरीमीटर, एस क्या होता है हमारा अर्ध परिमाप होता है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा इसे देखते हैं भाई, है ना, इससे हमारा जो अनुपात आया हमारा 4 पॉइंट 5 पॉइंट और 7 पॉइंट, फिलहाल हमारा ये सब मिल के हो गए 16, तो 16 पॉइंट, तो एस हमारा हो गया 8 पॉइंट, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, है ना, तो ये सब हमारा 8 पॉइंट हो गया, पेरीमीटर हो गया हमारा 16 पॉइंट, परिमाप और अर्ध परिमाप हो गया 8 पॉइंट, तो 8 से हम कर सकते हैं, फिलहाल पॉइंट को ना लेते हुए सीधे करेंगे हम, तो इस फॉर्मूले में हम इसको वैल्यू को रखेंगे, है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 8 से 4 सबसे पहले तो 8, फिर 8 से 4 गया तो 4, फिर 8 से 5 गए तो 3, और क्या गए तो 7 गए तो 1, ये सब आएगा। बाहर ले लेते हैं क्या पॉइंट स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट 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 चार बार आएंगे तो आगे हमने ले लिया इंटू पॉइंट स्क्वायर, बराबर क्या होगा 36√6। यहाँ देखते हैं क्या कॉमन क्या बाहर आता है, ये हो गया हमारा 4 × 8 और ये 4, तो 4 यहाँ से 4 यहाँ से, 1 4 तो बाहर आ गया, ये अंदर क्या बचा 2 × 2 = 6 = 6√6, और पॉइंट का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36√6, ठीक है, √6 से √6 कट गया,
चार से इसमें भाग होगा तो कितना आएगा, पी स्क्वायर बराबर आएगा 9, तो पी बराबर आएगा 3। पी बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब परिमाप में वैल्यू रख देंगे, 16 पॉइंट था तो 16 × 3 = 48। ये हो गया हमारा डिटेल तरीका, ठीक है। लेकिन इतने नहीं ज़रूरत होती जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ऐसे करोगे जो पहले बताई हैं, ठीक है, और आप फटाफट कर पाओगे। आओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 6 मिनट का विश्राम लेता है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मिनट में समय बताना है, तो 8 किलोमीटर करने में कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ, 8 किलोमीटर एक घंटे में, 8 किलोमीटर कितने समय में चलेगा, एक घंटे में, और 8 ही पूछा है उसने, तो भाई 8 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा, वो एक घंटा, एक घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट हो गई। अब 6 मिनट का विश्राम करता है वो हर एक दूरी के बाद, तो 8 किलोमीटर है तो दूरी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर है तो दूरियां कितनी हो गई, जो बीच की दूरियां होती हैं वो हमेशा एक कम होती हैं, यानी यदि मेरे पास, मैंने कहा ये दो, 1 किलोमीटर ये है 1 किलोमीटर ये है, इनके बीच में एक बार विश्राम होगा, अगर 3 किलोमीटर है तो 2 बार विश्राम होगा बीच में, है ना, 1 किलोमीटर के बाद विश्राम करेगा, 2 किलोमीटर के बाद करेगा, 3 के बाद करेगा, 8 के बाद थोड़ी ना, 8 के बाद तो पहुंच ही गया, तो 7 के बाद करेगा, तो 7 विश्राम होंगे, तो यदि 7 विश्राम होंगे तो 7 रेस्ट होंगे हमारे, और हर एक रेस्ट कितने का है, 6 मिनट का, तो 7 × 6 कितने हो गए, 42, 42 मिनट ये हो गई, कितने हो गए टोटल, 102 मिनट, यही आंसर हो गए, कहाँ है, 3rd में। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इतना समय नहीं लगना चाहिए, सीधा सा एक घंटा तो हो गया हमारा 8 किलोमीटर का, और 6 मिनट हो गए 7 बार रुकेगा, तो 7 × 6 = 42, तो एक घंटा 42 मिनट यानी 102 मिनट। इस तरह से आप ऑरली करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इस तरह से ऑरली इनको कर सकते हैं। पी क्यू आर एक साथ मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, पी की पूंजी क्यू की पूंजी का 3 गुना है तथा क्यू की पूंजी आर की पूंजी की आधी है। कर लेते हैं बच्चों, तो 2 अलग अलग अनुपात दिए हैं, आप एक साथ कर सकते हैं पी क्यू आर, इनको मर्ज करेंगे। सबसे पहले क्या कहा है, पी की पूंजी क्यू की 3 गुना है, यानी क्यू 1 है तो ये कितना है, ये 1 है तो ये 3 है। दूसरा क्या है, क्यू की पूंजी आर की पूंजी का आधा है, क्यों आधा है, किससे, आर से, यानी आर 2 है तो क्यू कितना है, 1। अब इसको मर्ज करेंगे तो क्यू मर्ज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या है, समान है, समान है, तो इधर भी 1 इधर भी 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया 3, ये 1 और एक ये 2, ये अनुपात आ गया पूंजी का, ठीक है, ऑप्शन आ गया हमारा नंबर 2। तो बेहद आसान था ये क्वेश्चन, बस सिर्फ एक बार ही लिखते तब भी हो जाता हमारा, क्यों आधा है तो डायरेक्ट यहाँ 2 लिख सकते थे हम, है ना भाई, पी क्यू आर, तो ये 1 3 और ये आधा है तो ये 2, आंसर यही हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं, हम कर रहे हैं फटाफट कुछ कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो यदि करते रहेंगे तो वो भी इसी तरह स्पीड पकड़ लेंगे। आते हैं आगे, बी और सी एक कार्य को 15 तथा 25 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने कार्य आरंभ किया परंतु कुछ दिनों के पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य सी ने 9 दिन में पूरा किया, प्रारंभ में कितने दिन बी ने कार्य छोड़ा, कितने दिनों के बाद। तो देखो एलसीएम लेंगे हम, समय कार्य वाले क्वेश्चन देखते ही तुरंत आपको एलसीएम ले लेना चाहिए। हाँ 25 और 15 का एलसीएम क्या आ गया, क्या आया 25 और 15 का एलसीएम, 150, ये एलसीएम आया। एलसीएम के तरीके से आप इनको सीख सकते हैं, बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते चले जाइए, छोटी को देखिए वो कहाँ काट रही है, 25 × 2 = 50, 3 × 75, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, 25 × 150 यहाँ काट रही है, यही एलसीएम हो गया। तो ये क्या कर रहा है, 10, ये जो बी है ये कितना काम कर रहा है पर डे, 10, और सी कितना काम कर रहा है, 6। अब कह क्या रहा है वो कि बी ने कार्य, उन्होंने कार्य आरंभ किया कुछ दिन बाद बी ने छोड़ दिया, शेष कार्य सी ने 9 दिन में किया, तो कितने दिन में छोड़ा ये नहीं पता, लेकिन सी ने अकेले कितने दिन कार्य किया, 9 दिन, और सी कितना करता है, 6 6, तो सी ने 9 दिन कार्य किया 6 6 करके, 9 6 के
54, 54 घटा दें, कितना बचा 96। ये 96 कार्य किसने किया? दोनों ने मिलकर किया। किसने? बी ने और सी ने। बी और सी कितना करते हैं? बी करता है हमारा 10 और सी करता है 6। तो 10 और 6 16, 16 करके कार्य किया। 16 से इसको भाग कर देंगे, कितना आएगा 6। तो 6 दिन दोनों ने एक साथ कार्य किया। ऑप्शन कौन सा होगा? 4th। ठीक है, ऑप्शन हो गया हमारा 4, क्योंकि 16 छक्कम 96। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं? अभी हम बोलने के साथ आपको बता रहे हैं तो थोड़ा क्या है और समय लग रहा है, वरना जब अपना अपना काम करते हैं तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी और भी आप इसको जल्दी कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस ही एकमात्र तरीका है जल्दी से करने का और ज़्यादा सटीक करने का, और ये श्योर करने का कि हमारे साथ पेपर में कुछ गड़बड़ ना हो कि हाँ एकदम से मैं फंस गया, फिर उसके बाद तो क्या हो गया, फिर तो बन ही नहीं पाई बात, एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, वो दो बार नहीं निकला, फिर तो मैं क्या आ गया, प्रेशर में आ गया, फिर बात नहीं बन पाई। इस तरह की चीज़ें ना हो, किसी के साथ भी ना हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है? सिर्फ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ फंसोगे, यहाँ से ओवरकम करोगे, वहाँ भी चीज़ें जल्दी से कर पाओगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, अच्छी अच्छी ट्रिकें सीखते रहें, डायरेक्ट ओरली करना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आते हैं, अच्छा तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे इस वीडियो में, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छी ट्रिक के साथ। तो आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे, आप बातों को समझे होंगे, और इसी तरह की बातें और समझने के लिए और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।